पर तीर्थ यात्रियों को फ्लाइट से अयोध्या भेजेगी मध्य प्रदेश सरकार। 1 फरवरी से दर्शन के लिए भेजे जाएंगे तीर्थ यात्री, तो लोकसभा चुनाव की घोषणा तक ये यात्रा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से यात्री भेजे जाएंगे। सभी जिलों से 60 प्लस के व्यक्तियों का चयन होगा। 19 ट्रेन भी उपलब्ध कराएगी भारत सरकार। तो वहीं साल 2012 से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लागू है और अब इसी को लेकर फ्लाइट से अयोध्या भेजेगी मध्य प्रदेश सरकार तीर्थ यात्रियों को। 1 फरवरी से दर्शन के लिए भेजे जाएंगे तीर्थ यात्री। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ के उनसे बातचीत करेंगे। मनोज जी, एक बड़ी पहल तो हम कह सकते हैं और साथ ही साथ एक बार फिर से बड़ी और नई सौगात लेकर आए हैं तीर्थयात्रियों के लिए कि अब फ्लाइट से अयोध्या भेजेगी मध्य प्रदेश सरकार उन्हें। देखिए, ये प्लान पुराना है सरकार का और पहले मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत ये बना भी था कि बाकी जो यात्री है, खासकर 60 साल से जिनकी ऊपर उम्र है, उनको फ्लाइट के जरिए अलग अलग तीर्थ स्थलों पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा तीर्थ स्थल अयोध्या बनने जा रहा है। भगवान राम 22 को हम देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो फरवरी से ये शुरुआत होगी और 1 से 10 फरवरी के बीच में ये देखने को मिलेगा, जहां 60 साल से ऊपर जो भी लोग हैं तो उसमें से भी चयन का एक आधार होगा। पूरे मापदंड क्या रहेंगे अभी थोड़े दिन में तय हो जाएगा, लेकिन सरकार ने प्लान तैयार कर लिया। जिन लोगों को जाना है कुछ ट्रेन से जाएंगे और बाकी जो संभव नहीं है ट्रेन से जाना, उनको फ्लाइट के जरिए पहुंचाने का काम करेगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत। तो सरकार की बड़ी योजना है और अच्छा है। इस बहाने वो जो लोग मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे, भगवान राम लला के दर्शन कर पाएंगे। निश्चित रूप से पहले से तो ये योजना चलाई जा रही है, लेकिन एक बड़ी और अपडेटेड बात यह है कि अब फ्लाइट से मध्य प्रदेश सरकार तीर्थयात्रियों को ये सुविधा देने जा रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए मनोज जी।